हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकोज वर्ल्ड में। दोस्तों आज बात करेंगे सेट्रेजिन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg टैबलेट के बारे में। दोस्तों आज चर्चा करेंगे इसके ब्रांड नेम के बारे में कि इसके मार्केट में कौन कौन से ब्रांड नेम अवेलेबल हैं, इसके यूजेज के बारे में, साइड इफेक्ट्स के बारे में और डोजेज के बारे में। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकोज वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों बात करते हैं इसके ब्रांड नेम के बारे में। तो फर्स्ट है ओकासेट, इसे सिप्ला फार्मा द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है सेट्रेजिन टैबलेट, इसे GSK फार्मा द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है सेट्रेजिन टैबलेट, इसे एल्केम फार्मा द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है CZ3 टैबलेट, दोस्तों इसे लुपिन फार्मा द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है एल्ड्रेट टैबलेट, दोस्तों इसे सिप्ला फार्मा द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है जिरटेक टैबलेट, दोस्तों ये डॉक्टर रेडी लेबोरेटरीज की होती है। और लास्ट है CTZ10 टैबलेट। दोस्तों इनके अलावा भी आपको मार्केट में इसके कई ब्रांड नेम अवेलेबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसके यूजेज के बारे में। तो इसका यूजेज एलर्जिक राइनाइटिस, यानी बार बार छींके आना, आंखों से पानी आना और नाक बंद होने जैसी स्थिति में इस टैबलेट का यूज करते हैं। इंसेक्ट बाइट, यानी किसी कीड़े के काटने पर भी इस टैबलेट का यूज किया जाता है। सीजनल एलर्जी, यानी जैसे जैसे मौसम चेंज होता है उस टाइम पे सर्दी जुकाम के लक्षण होने पर इस टैबलेट का यूज किया जाता है। और दोस्तों इसके बीच एलर्जी, यानी त्वचा में खुजली होने पर या इचिंग को कम करने के लिए इस टैबलेट का यूज करते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों इस टैबलेट का सेवन करने से आपको थकान महसूस हो सकती है, बार बार नींद आने जैसी संभावना हो सकती है और चक्कर आने की संभावना हो सकती है। दोस्तों बात करेंगे इसके डोजेज के बारे में। तो दोस्तों बच्चों को इसकी आधी टैबलेट यानी 5 mg मात्रा दी जाती है, बड़ों को यानी एडल्ट में इसकी 10 mg मात्रा दी जाती है। और दोस्तों इसके सेवन की बात करें तो डॉक्टरों द्वारा ये टैबलेट रात को लेने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को